मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए मनी की लैंडिंग और बोरिंग होती है। यहाँ शॉर्ट टर्म फंड्स की डिमांड और सप्लाई को पूरा किया जाता है। यहाँ शॉर्ट टर्म का मतलब है एक साल से कम पीरियड। सो जब भी किसी को कम वक्त के लिए जैसे कि एक दिन, 30 दिन, 60 दिन या फिर 12 महीने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो मनी मार्केट में आता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पेपर तैयारी यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मनी मार्केट के बारे में। हम देखेंगे मनी मार्केट होती क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है मनी मार्केट के, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे और लास्ट में समझेंगे कि RBI का क्या रोल है मनी मार्केट में। और दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैं कुछ क्वेश्चंस पोस्ट करने वाला हूं और उन क्वेश्चंस का आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आप ये वीडियो पूरी देखेंगे। तो चलिए एक स्टोरी से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे कि आपने मनी मार्केट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स की वीडियो में देखा होगा कि बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंट RBI के पास रखना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं CRR। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो मैं ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो मान लीजिए SBI के पास कस्टमर का 100 करोड़ का डिपॉजिट है और आज की डेट में है CRR 4%। तो SBI को RBI के पास 4 करोड़ रुपए रखने जरूरी हैं। तो SBI ने 4 करोड़ RBI को दे दिए, 18% SLR है तो 18 करोड़ कहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिए और पीछे बचे 78 करोड़ लोन में बांट देता है। अब 15 दिन बाद मान लीजिए SBI के पास 125 करोड़ का डिपॉजिट हो जाता है और उसी वक्त SBI को कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो रिलायंस के किसी प्रोजेक्ट में ये फ्रेश 25 करोड़ इन्वेस्ट कर देता है। पर अब स्टोरी में ट्विस्ट आ जाता है। ये जो 125 करोड़ है, जिसका 4% यानी के 5 करोड़ तो RBI के पास रखना है, जिसमें से 4 करोड़ तो RBI के पास ऑलरेडी डिपॉजिटेड है, बट 1 करोड़ और डिपॉजिट करना है। अब भाई CRR तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, नहीं तो RBI तो भाई मोटी पेनल्टी लगाएगी। तो SBI वाले फ़ोन करेंगे अपने PNB के दोस्तों को या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा को कि भाई 2-3 दिन के लिए 1 करोड़ दे दो, जो भी इंटरेस्ट होगा हम आपको पे कर देंगे। PNB बोलेगा ठीक है भाई, ले लो 1 करोड़, पर मैं इस पे 4% इंटरेस्ट लूँगा। तो इस तरह से ये जो टेम्प्रेरी लिक्विडिटी मिसमैच को SBI ने PNB से पैसे लेके पूरा किया, उसे बोलते हैं मनी मार्केट ट्रांजेक्शन। सो मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार लिया जाता है। इस एग्जाम्पल में SBI एक बोरर है और PNB एक लेंडर है। तो इससे हमने ये सीखा कि मनी मार्केट का काम है लिक्विडिटी गैप को पूरा करना। मनी मार्केट हमारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इंडिया में मनी मार्केट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है। तो चलिए अब मनी मार्केट के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मनी मार्केट का, बोरोवर्स के शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट को पूरा करना। और क्योंकि मनी मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं तो फंड भी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस में मिलते हैं। इसी के रिलेटेड सेकंड ऑब्जेक्टिव है शॉर्ट टर्म डेफिसिट को पूरा करना। अब क्योंकि सेंट्रल बैंक मतलब RBI मनी को रेगुलेट करता है, तो RBI मनी मार्केट की हेल्प लेके इकोनॉमी में लिक्विडिटी को कंट्रोल कर सकता है। ये लिक्विडिटी कैसे कंट्रोल करता है RBI, ये हम देखेंगे आगे चल के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के सेक्शन में। नेक्स्ट, मनी मार्केट गवर्नमेंट और RBI को हेल्प करता है मॉनिटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में, जिसमें से एक मेन टूल है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसे हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, जिन इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के पास सरप्लस फंड अवेलेबल होता है वो लोग शॉर्ट टर्म के लिए पैसा पार्क करके रिटर्न कमा सकते हैं। तो ये थे दोस्तों मोटो मोटे ऑब्जेक्टिव मनी मार्केट के। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स वो टूल्स या सिक्योरिटीज हैं जिनको यूज करके मनी मार्केट में ऑपरेट किया जाता है। कॉमनली यूज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल बिल्स और कोलेटरलाइज बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑपरेशंस, जिसे CBLO भी बोलते हैं। इसमें से कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और ट्रेजरी बिल्स को मेनली गवर्नमेंट और बैंक्स यूज करते हैं और कमर्शियल पेपर्स और कमर्शियल बिल्स को कॉरपोरेट और इंटरमीडिएटरीज यूज करते हैं अपनी लिक्विडिटी की जरूरत को पूरा करने के लिए। इन सब इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा आगे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब सबसे पहले कॉल मनी मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि SBI को जब 2-4 दिन के लिए पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने PNB से पैसे उठा लिए, तो वो एक कॉल मनी मार्केट का एग्जांपल था। इस मार्केट में मोस्टली बैंक्स ही डील करते हैं, इसलिए इसे इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट कहते हैं। ये प्योरली अनसिक्योर्ड मार्केट होती है। अनसिक्योर्ड का मतलब है कि SBI ने जब PNB से पैसा उठाया तो इसकी एवज में उसने कोई सिक्योरिटी या कोलेटरल नहीं दिया PNB को। ये पूरी तरह से ट्रस्ट बेस्ड ट्रांजेक्शन थी। इस मार्केट में कोई ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं होता, तो SBI ने डायरेक्टली PNB को
कॉल करके पैसा ले लिया। पहले ये ट्रांजेक्शन टेलीफोन पे कॉल करके होती थी, इसलिए इसका नाम कॉल मनी मार्केट हो गया। इसे मार्केट इसलिए बोलते हैं क्योंकि मार्केट एक ऐसी प्लेस होती है जहां सप्लाई डिमांड को पूरा करती है। तो कॉल मनी मार्केट में जिन बैंक्स को टेम्परेरी शॉर्टेज होती है फंड्स की, वो डिमांड साइड पे आ जाते हैं, और जिन बैंक्स के पास फंड्स सरप्लस में पड़े होते हैं वो सप्लाई साइड में आ जाते हैं। ये मार्केट प्रोमिनेंटली यूज होती है बैंक्स के रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं ये वीडियोस बनाने के लिए, और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसा और अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए। चाहे बाद में आप इस वीडियो को अनलाइक कर दें अगर आपको अच्छा ना लगे, पर काइंडली अभी इसको जरूर लाइक कर लीजिए। दोस्तों, कॉल मनी मार्केट में तीन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये है कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी। तो सबसे पहले आते हैं कॉल मनी पे। मान लीजिए किसी बैंक को एक दिन के लिए फंड्स की जरूरत पड़ती है, तो जो पैसा एक दिन के लिए ओवरनाइट के लिए उधार में दिया जाता है उसे हम कॉल मनी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं नोटिस मनी पे। जब पैसा एक दिन से 14 दिन के लिए लेंड किया जाता है तो उसे हम नोटिस मनी बोलते हैं, और जब पैसा 15 दिन से एक साल तक के लिए लेंड किया जाता है तो उसे हम टर्म मनी बोलते हैं। आगे बात करते हैं कौन कौन है एलिजिबल है मनी मार्केट में पार्टिसिपेशन करने के लिए। सबसे पहले आते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, पर इसमें लोकल एरिया बैंक्स को ये एक्सेस नहीं है। तो फिर आते हैं पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, और लास्टली प्राइमरी डीलर्स। ये सब पार्टिसिपेशन एज बोरोवर भी कर सकते हैं और एज ए लेंडर भी, मतलब ये पैसा उधार ले भी सकते हैं और पैसा उधार दे भी सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं। गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म फंडिंग की जरूरत को पूरा करने के लिए ट्रेजरी बिल इशू किए जाते हैं। देखिए, गवर्नमेंट को अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। ये डे टू डे खर्चे होते हैं जैसे पीएम, प्रेसिडेंट और एमपीस की सैलरी, डिफेंस पर्सनल्स की सैलरी, और गवर्नमेंट के और जो बजटरी एक्सपेंसेस, नॉन बजटरी एक्सपेंसेस होते हैं उनको डे टू डे में करंट में जो पूरा करना होता है उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। बट गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में हमेशा थोड़ा गैप होता है। ये गैप क्यों होता है ये हम एक अलग वीडियो में समझेंगे। इस गैप को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट मार्केट से पैसा रेत करती है ट्रेजरी बिल इशू करके। दोस्तों, ट्रेजरी बिल तीन टेन्योर्स के लिए इशू किए जाते हैं। फर्स्ट है 91 डे ट्रेजरी बिल, सेकंड है 182 डेज ट्रेजरी बिल्स, और थर्डली होते हैं 364 डेज के ट्रेजरी बिल्स। दोस्तों, ट्रेजरी बिल्स जीरो कूपन सिक्योरिटीज होती हैं, मतलब इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये डिस्काउंट प्राइस पे इशू किए जाते हैं और फेस वैल्यू पे रिडीम होते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक ₹1000 का 364 डेज का ट्रेजरी बिल है और इसे हमारे प्यारे जीतू भैया परचेज करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इसको मान लीजिए ₹50 के डिस्काउंट पे इशू करेगी, मतलब ₹950 पे, और 364 दिन बाद ₹1000 में इसे रिडीम कर देगी। तो जो अपने इन्वेस्टर जीतू भैया हैं उनको ₹50 का प्रॉफिट रिटर्न मिल जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट 4-5% बैठता है। जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे RBI बेचती है मार्केट में। इसे मिनिमम ₹25000 में खरीदा जा सकता है और 25000 के मल्टीपल्स में। ये एक टोटली रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती है क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ये। तो दोस्तों, ये थे ट्रेजरी बिल्स। अब आगे बढ़ते हैं कमर्शियल पेपर्स की तरफ। पेपर भी एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में इशू होता है। प्रोमिसरी नोट कुछ इस तरह का होता है। तो चलिए मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को 6 महीने के लिए 1000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो मुकेश भाई मार्केट में प्रोमिसरी नोट इशू कर देंगे 1000 करोड़ के, जिसको हम बोलेंगे कमर्शियल पेपर्स। तो जब आप कमर्शियल पेपर खरीदते हैं तो आपको एक प्रोमिसरी नोट मिलता है। तो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो प्रोमिसरी नोट पर यह लिखा होता है कि किसी पर्टिकुलर डेट को आपको कमर्शियल पेपर का इश्यूअर आपका पैसा वापस देगा विद इंटरेस्ट। आगे देखते हैं कौन कौन कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। हाई रेटेड कॉर्पोरेट्स, प्राइमरी डीलर्स, सैटेलाइट डीलर्स और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एलिजिबल हैं कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए। इन्वेस्ट कौन कर सकता है इसमें? इंडिविजुअल्स, मतलब आपके मेरे जैसे लोग, बैंकिंग कंपनीज, कॉर्पोरेट बॉडीज, अनकॉर्पोरेट बॉडीज, NRIs, FIIs कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कितने पैसे से कमर्शियल पेपर खरीदा जा सकता है? कमर्शियल पेपर जो है ₹5,00,000 से या 5,00,000 के मल्टीपल्स में ही इशू किए जाते हैं। सो कम से कम 5,00,000 तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा इसमें। कितनी ड्यूरेशन के कमर्शियल पेपर इशू होते हैं? कमर्शियल पेपर जो है 7 दिन से लेकर 1 साल के लिए इशू किए जा सकते हैं। आज की डेट में कमर्शियल पेपर्स को डीमैट फॉर्म में भी परचेज किया जा सकता है। तो ये था दोस्तों कमर्शियल पेपर्स। तो दोस्तों, हमने देखा कि ट्रेजरी बिल्स से गवर्नमेंट पैसा रेज करती है, कमर्शियल पेपर्स से जनरली कॉर्पोरेट्स पैसा रेज करते हैं।
तो ये था दोस्तों कमर्शियल पेपर्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के बारे में। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक्स द्वारा इशू किया जाता है। कुछ ऐसा होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। नेगोशिएबल का मतलब कि इंस्ट्रूमेंट की ओनरशिप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर की जा सकती है। मतलब अगर ए बंदे ने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीदा है तो वो बी बंदे को भी इसको बेच के अपनी इन्वेस्टमेंट से पैसा कमा सकता है। अब देख लेते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन कौन इशू कर सकता है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और सिलेक्टेड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनको आरबीआई से स्वीकृति प्राप्त है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करने की। कौन कौन इसे खरीद सकता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सब इंडियन रेजिडेंट्स को इशू किया जा सकता है। कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके लिए? मिनिमम 1 लाख या फिर 1 लाख के मल्टीपल्स में ही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किए जाते हैं। इतनी ड्यूरेशन की इन्वेस्टमेंट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 7 दिन से लेके 1 साल के लिए इशू किए जाते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि ट्रेजरी बिल्स जो थे वो गवर्नमेंट को पैसा रेस करने में मदद करते थे, कमर्शियल पेपर्स जो थे वो कॉरपोरेट्स को पैसा रेस करने में मदद करते थे, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो बैंक्स को पैसा रेस करने के लिए मदद करते हैं। तो दोस्तों ये था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अब नेक्स्ट बात करते हैं कमर्शियल बिल्स की। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो कमर्शियल बिल एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जिसे यूज करके कमर्शियल फर्म्स या कॉरपोरेट फर्म्स शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रेस करती हैं। कुछ इस तरह का होता है कमर्शियल बिल। तो चलिए इसे भी एक कहानी से समझ लेते हैं। मान लो इजी डे ने बॉर्नविटा का 5 करोड़ का कंसाइनमेंट लिया कैडबरी से 1 अप्रैल को, और इजी डे इस कंसाइनमेंट की पेमेंट 30 दिन बाद करेगा कैडबरी को, यानी के 30 अप्रैल को। तो कैडबरी एक 5 करोड़ का बिल काटता है जिसको इजी डे एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही इजी डे ने बिल को एक्सेप्ट किया, ये बिल एक मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बन गया जिसे हम बोलेंगे ट्रेड बिल या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज। अब मान लीजिए 2 दिन बाद ही कैडबरी को इमीडिएट फंड्स की जरूरत पड़ती है, पर इजी डे भाई तो 30 तारीख को ही पैसे देगा। कैडबरी इजी डे को बोलेगा कि भाई ये बिल को अपने बैंकर से एक्सेप्ट करवा के दो, सो दैट मैं बिल के अगेंस्ट फंड रेस कर सकूं मार्केट से। इजी डे अपने बैंकर के पास जाएगा, मान लीजिए इजी डे का बैंकर है एसबीआई। इजी डे एसबीआई को बोलेगा कि मेरे पास ये 5 करोड़ का बिल है जिसकी पेमेंट मुझे 30 दिन बाद करनी है, प्लीज आप इस बिल को एक्सेप्ट कर लो। एसबीआई कुछ कमीशन चार्ज करेगा इजी डे से और उस बिल को एक्सेप्ट कर लेगा। सो अब अगर इजी डे 30 दिन बाद कैडबरी को पैसा नहीं देता तो एसबीआई को देना पड़ेगा। तो SBI ने जब इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया तो हम इसे बोलेंगे कमर्शियल बिल। तो एक ट्रेड बिल तब कमर्शियल बिल बनता है जब इसे कोई कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट कर लेता है। अब इस कमर्शियल बिल को कैडबरी मार्केट में बेच के फंड रेस कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि कमर्शियल बिल एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसे सेलर बायर के नाम पे ड्रॉ करता है और जिसकी वैल्यू गुड्स की वैल्यू के बराबर होती है। जनरली कमर्शियल बिल 90 डेज के लिए इशू किए जाते हैं। कमर्शियल बैंक्स अपने कस्टमर को क्रेडिट देते हैं इन कमर्शियल बिल्स को डिस्काउंट करके। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, NBFCs, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, मर्चेंट बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब कमर्शियल बिल्स इशू कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे खत्म होता है हमारा कमर्शियल बिल का टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं CBLO पे, जिसको हम बोलते हैं कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशंस। CBLO भी एक तरह का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। इसे यूज करके मार्केट पार्टिसिपेंट्स फंड बोरो और लेंड करते हैं, पर ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स CBLO सेगमेंट में एज ए मेंबर एडमिट होने चाहिए। तो जो भी CBLO का मेंबर होगा वो ही फंड्स लैंड और बोरो कर पाएगा इस जगह पे। CBLO को क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑपरेट करता है। ओवरनाइट से लेके मैक्सिमम 1 साल तक के टेन्योर के लिए फंड्स बोरो और लेंड किए जाते हैं यहाँ पे। पर यहाँ पे पैसा उधार लेने के लिए कोलेट्रल सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। मतलब ये सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है। एलिजिबल सिक्योरिटीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग ट्रेजरी बिल्स। CBLO की मेंबरशिप के लिए एलिजिबल एंटिटीज हैं नेशनल बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, FIs, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, प्राइमरी डीलर्स, NBFCs, कॉरपोरेट्स, प्रोविडेंट फंड्स, पेंशन फंड्स, ये सब लोग CBLO सेगमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज ए लेंडर एज वेल एज बोरोअर। तो दोस्तों ये था मोटा मोटा CBLO के बारे में। आगे चलते हैं आप रेपो एग्रीमेंट्स पे। रेपो एग्रीमेंट एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसे यूज करके शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बोरो और लेंड किया जाता है। रेपो ट्रांजैक्शंस में सिक्योरिटीज की सेल परचेज की जाती है। चलिए एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। मान लीजिए SBI को 100 करोड़ की जरूरत है 30 दिन के लिए। तो मान लो SBI PNB को बोलेगा कि आप हमारे से 100 करोड़ की सिक्योरिटीज ले लो,
जिसको 30 दिन बाद 3% के इंटरेस्ट रेट पे करके मैं आपसे वापस खरीद लूंगा। तो पीएनबी जो है 100 करोड़ एसबीआई को दे देगा। सो रेपो ट्रांजैक्शन में फर्स्ट पार्टी अपनी सिक्योरिटीज बेचती है सेकंड पार्टी को और सेकंड पार्टी उन सिक्योरिटीज को खरीदती है। और इसमें एक कंडीशन ये होती है कि फर्स्ट पार्टी प्री डिटरमाइंड डेट पे और रेट पे वो सिक्योरिटीज को वापस खरीदेगी। जो रेट इस पे चार्ज किया जाता है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। इसमें एलिजिबल सिक्योरिटीज हैं ट्रांजैक्शन के लिए सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग ट्रेजरी बिल्स। दोस्तों रिवर्स रेपो रेट जो है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है रेपो ट्रांजैक्शन का। रिवर्स रेपो रेट ट्रांजैक्शन में एक पार्टी जिसके पास टेम्पररी सरप्लस होता है कैश का, वो दूसरी पार्टी से सिक्योरिटीज परचेज कर लेती हैं विद प्री डिटरमाइंड रेट और डेट के इस दिन मैं आपको ये सिक्योरिटीज वापस कर दूंगा। तो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में सिर्फ ट्रांजैक्शन इनिशिएशन का फर्क है। अगर किसी को फंड्स की जरूरत है, वो पैसा मांगेगा, तो रेपो रेट चार्ज होगा। और अगर किसी के पास फंड फालतू में पड़ा है, सरप्लस पड़ा है और उसे वो फंड किसी जगह पे पार्क करना है, तो वो सिक्योरिटीज खरीदेगा, तो वो होगी रिवर्स रेपो रेट। तो जनरली रिवर्स रेपो रेट का जो रेट होता है वो रेपो रेट से कम होता है। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आरबीआई का क्या रोल है मनी मार्केट में। दोस्तों आरबीआई मनी मार्केट में रेगुलरली इंटरवीन करता रहता है सो दैट फाइनेंशियल सिस्टम में लिक्विडिटी मेंटेन की जा सके। जब सिस्टम में ज्यादा लिक्विडिटी आ जाती है, मतलब मार्केट में ज्यादा पैसा आ जाता है, तो आरबीआई इसे एब्जॉर्ब करने के लिए मेजर्स लेता है। और जब सिस्टम में लिक्विडिटी शॉर्टेज होती है, मतलब मार्केट में पैसा कम होता है, तो आरबीआई पैसा इंजेक्ट करने के लिए मेजर्स लेता है। आरबीआई के पास बहुत से टूल्स हैं, जैसे कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एक्सेट्रा। इन टूल्स के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे आपसे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये मनी मार्केट का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इस वीडियो से आपको अगर कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में मैंने कुछ क्वेश्चंस पोस्ट कर दिए हैं, उनका आंसर जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।